Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic from a class 9 science book, that is uniform circular motion. ठीक है, तो अगर हम word by word अगर इस चीज़ को समझना चाहें तो word by word अगर हम कैसे समझेंगे uniform का मतलब क्या होता है. Uniform का मतलब होता है एक जैसा, circular मतलब गोल और मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. यानी कि एक जैसा मोशन किसी सर्कल के अंदर अगर हम एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ चलें, जैसे एक सर्कल है उसके अंदर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगा रही हूँ, ठीक है, तो एक तरीके से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया ना, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो. ठीक है, तो और भी डिटेल में हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग. ठीक है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही होती है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. यानी टाइम के साथ जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज होता है उसको ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं. ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होती है किसी भी डायरेक्शन के साथ में स्पीड. ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड अलॉन्ग विद अ सर्टन डायरेक्शन. ठीक है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट में डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट रहती है. मान लीजिए कि कोई चीज़ चल रही है उसका जो स्पीड है, ठीक है, या जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एक जैसा है लेकिन वो बार बार डायरेक्शन बदल रहा है. ठीक है, तो स्पीड तो यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बार बार बदल रही है तो भी हम यहाँ कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में एक स्पीड कंपोनेंट के साथ साथ डायरेक्शन कंपोनेंट भी होता है, तो वेलोसिटी को हम यहाँ भी चेंजिंग वेलोसिटी ही कहेंगे. ठीक है, सो द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. ठीक है, तो वेलोसिटी के साथ जो कंपोनेंट जो होते हैं, एक एसोसिएटर होता है स्पीड का या मैग्नीट्यूड कह सकते हो, और एक कंपोनेंट होता है डायरेक्शन, तो किसी दोनों में भी चेंज अगर आएगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज आए चाहे डायरेक्शन में चेंज आए. ठीक है, सो कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो कोई इस तरह का मोशन आप बता सकते हैं, वही है सर्कुलर मोशन, या कह सकते हो कि अगर हम गोल गोल चक्कर लगाएं तो हम कह सकते हैं कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या 10 किलोमीटर पर सेकेंड या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई चीज़ एक ही सर्कल में चल रहा है तो यहाँ पे जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बार बार बदल रही है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ना कि इस तरह का मोशन है जिसमें कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही है. ठीक है, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ. फिगर 8.9A शोज द पाथ ऑफ एन एथलीट अलोंग अ रेक्टेंगुलर ट्रैक ए बी सी डी. मान लीजिए कोई एक एथलीट है वो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक जिसपे जॉगिंग या एक्सरसाइज करते हैं ना, उस तरह के रेक्टेंगुलर ट्रैक के ऊपर जो है वो एथलीट चल रहा है. ठीक है, और उसकी मार्किंग की गई है ए बी सी डी की तरह. लेट अस अज्यूम दैट द एथलीट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द स्ट्रेट पाथ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ द ट्रैक. अज्यूम कर लीजिए ट्रैक के ऊपर चल रहा है, रेक्टेंगुलर ट्रैक है. इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक ही क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर्स. ठीक है, तो जैसे ही एथलीट कॉर्नर पे पहुंचता है अपनी स्पीड चेंज करता है ताकि वो डायरेक्शन को बदल सके, है ना, अपनी वेलोसिटी चेंज करता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज करता है. बाय द वे स्पीड भी अगर वही रखता है तो डायरेक्शन तो चेंज करता ही करता है ना, तो वेलोसिटी वहां पे उसको चार बार चेंज करना पड़ रहा है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक ही क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर्स. सो कॉर्नर्स पे तो उसकी स्पीड बदलनी पड़ेगी क्योंकि उसको अपने ट्रैक पे रखना है. अगर वो स्पीड नहीं चेंज करेगा, अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा तो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा. फाइन, तो इस वजह से जब भी कॉर्नर आएगा तो उसको अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ेगी या अपना डायरेक्शन को चेंज उसको करना पड़ेगा. ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो एथलीट को कितनी बार अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलना पड़ेगा,
तो क्योंकि चार कॉर्नर्स है तो चार बार बदलना पड़ेगा, है ना, और बाकी तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, वो तो स्ट्रेट लाइन की तरह स्ट्रेट रोड के ऊपर चलेगा. सो इट इज क्लियर दैट टू मूव इन ए रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस ही हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर टाइम्स. ठीक है, नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ ए रेक्टेंगुलर ट्रैक द एथलीट इज रनिंग अलोंग अ हेक्सागोनल शेप्ड पाथ ए बी सी डी ई एफ. हेक्सागोनल, हेक्सा मतलब होता है सिक्स, गोनल यानी सिक्स एंगल्स हो, ऐसा ट्रैक हो जिसके अंदर सिक्स एंगल्स हो. रेक्टेंगल में फोर एंगल्स होते हैं लेकिन हेक्सागोनल में सिक्स एंगल्स होते हैं, तो वहाँ पे उसको कितनी बार अपना जो है डायरेक्शन या स्पीड जो है अपनी चेंज करनी पड़ेगी, कितनी बार. ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन द एथलीट विल हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन सिक्स टाइम्स वाइल ही कम्प्लीट्स वन राउंड. एक चक्कर लगाने के लिए उसको छह बार अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी ताकि वो उसी ट्रैक के ऊपर रहे, है ना, नहीं तो ट्रैक से बाहर हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा. तो क्योंकि सिक्स कॉर्नर्स हैं तो छह बार उसको अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो ना, यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, रेक्टेंगुलर ट्रैक के ऊपर कोई भी पर्सन अगर चलेगा तो उसको आप यहाँ पे देखिए चार कॉर्नर्स हैं. ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा तो इसी ट्रैक के ऊपर रहना है तो इस कॉर्नर पे उसको स्पीड अपनी बदलनी पड़ेगी, अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, फिर सीधे आएगा, फिर यहाँ पे उसको एक बारी और अपना दूसरी बार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, फिर यहाँ सीधे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर से उसको उसी ट्रैक पे रखना है तो तीसरी बार करना पड़ेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से शुरू किया था तो यहाँ पे चौथी बार उसको अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा. तो जितने कॉर्नर्स हैं उतनी बार उसको अपने डायरेक्शन बदलना पड़ेगा ताकि वो ट्रैक पे रह सके. वैसे ही हेक्सागोनल में यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स एंगल्स है तो यहाँ पे उसको सिक्स टाइम्स अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी. ठीक है, वैसे ही अगर कोई ट्रैक ऑक्टागोनल है, ठीक है, ऑक्टागोनल मतलब जिसमें आठ एंगल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो इसमें आठ एंगल्स है तो उसको आठ बार अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है तो यहाँ पे कितनी बार उसको अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी. तो ऐसा माना जाता है कि हम जो एक सर्कल है वो उसके उसमें भी बहुत छोटे छोटे साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे आप आठ साइड्स देख रहे हो ना, यहाँ पे आठ साइड्स है, तो जैसे जैसे हम ये एंगल्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका ये जो साइड का लेंथ है वो छोटा होते जा रहा है ना, जैसे रेक्टेंगल में इतना बड़ा था, ठीक है, फिर हेक्सागोनल में आपने देखा और छोटा हो गया, फिर ऑक्टागोनल में और छोटा हो गया, फिर जैसे जैसे एंगल्स बढ़ाएंगे ये जो साइड की जो लेंथ है वो छोटी होती जाएगी. तो सर्कल को ऐसा माना गया है कि सर्कल भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर्स का एक जो है सर्कुलर चीज है. ठीक है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर, और उसके एक कॉर्नर की जो लेंथ है, जैसे सपोज इसकी लेंथ मैं कह दूं कि ये 2 सेंटीमीटर है तो उसमें एक कॉर्नर की लेंथ जो है एक पॉइंट के बराबर है. तो इतने सारे एंगल से मिल करके एक सर्कल बना है, इसी वजह से ये सर्कल हो गया. तो यानी सर्कल के ऊपर अगर कोई चले तो हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो एथलीट है, जो भी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रन कर रहा है, उसको हर एक पॉइंट पे अपना जो है डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, है ना, तभी वो ट्रैक पे रह सकता है. नहीं तो जैसे ऐसे आया तो अगर डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा तो ऐसे सीधे चला जाएगा, फिर इस पॉइंट पे आया अगर नहीं डायरेक्शन चेंज करेगा तो ऐसे चला जाएगा, इधर आया तो इधर चला जाएगा, ऐसे मतलब हर पॉइंट पे ही उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना है, नहीं तो वो कहीं और ही चला जाएगा, है कि नहीं. तो ये चीज कहने की कोशिश की गई है कि सर्कुलर ट्रैक पे बने रहने के लिए भी आपको हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है. ठीक है, सो वॉट वुड हैपन टू द शेप ऑफ द ट्रैक इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स इनडेफिनेटली. इनडेफिनेटली मतलब बहुत सारे साइड्स हो जाएं, जैसे अभी हमने रेक्टेंगल में चार, हेक्सागोनल में छह, ऑक्टागोनल में आठ देखे, वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा. ठीक है, सो इफ यू डू दिस यू विल नोटिस दैट द शेप ऑफ द ट्रैक अप्रोचेस मतलब उसकी तरह होने लगेगा. ठीक है, अप्रोचेस
the shape of a circle and the length of each of the sides will decrease to a point. तो हर एक साइड की जो लेंथ है वो एक बिंदी के बराबर हो जाएगी और उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे, ठीक है, या कॉर्नर्स हो जाएंगे. If the athlete moves with a velocity of constant magnitude, अगर कोई एथलीट कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से, मतलब कॉन्स्टेंट जैसे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई एथलीट उस ट्रैक में जो है वो दौड़ेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इस वजह से हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होता है, एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक वेलोसिटी का डायरेक्शन. तो कोई भी एक चेंज होगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रह रहा है लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में. इस वजह से हम कहते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है वो हमेशा ही चेंज होता रहता है, यानी वो हमेशा ही एक्सीलरेटिंग मोशन शो करता है. जब भी वेलोसिटी का चेंज होता है तो हम उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है. सो द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन. एक्सीलरेटेड मोशन मतलब हमेशा ही उसकी वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है. सो वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय 2πr. हमको पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है. किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस अगर हमको निकालने के लिए कहा जाए, जैसे ये इसका ये इस पॉइंट से लेके वापस हम इसी पॉइंट पे आए तो कितना उसका जो है लेंथ हो, कितना मीटर हो, उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. ये जो धागे से अगर आप इस पूरे सर्कल का एक धागा लेके नापो तो उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. कितने मीटर का है ये सर्कमफेरेंस, तो इसको निकालने के लिए दिया है. जैसे ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है, सेंटर से हम अगर किसी भी पॉइंट पे इसको टच करें तो ये इसका रेडियस होता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर से. तो इसका सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है. किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस का यही फॉर्मूला होता है 2πr. यहाँ पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस जो भी हो सर्कल का आप वो रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका सर्कमफेरेंस निकल आएगा, ठीक है. सो इफ द एथलीट टेक्स टी सेकेंड्स, अगर कोई एथलीट है उसको टी सेकेंड का टाइम लग रहा है इस एक सर्कल का एक चक्कर लगाने में, टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर द स्पीड इज गिवन बाय स्पीड. आपको क्या स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है. तो डिस्टेंस कितना चला, इसका सर्कमफेरेंस जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है उतना ही डिस्टेंस चला ना, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम, तो यही हमारा जो है वेलोसिटी या स्पीड हम जिसको कह सकते हैं वो आ जाएगी, ठीक है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ में एक ही स्पीड से चलता है तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है. एक एक्टिविटी देख लेते हैं अब हम. एक्टिविटी 8.11, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड. एक धागा ले लीजिए, उसके एक कॉर्नर पे एक पत्थर बांध दीजिए धागे के, ठीक है. और जैसे यहाँ फोटो में देख रहे हो ना आप, ये लड़का जो धागे को लेके के पत्थर को गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाने लग जाए बाहुबली स्टाइल में, ठीक है. सो मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड एट द अदर एंड एज शोन इन फिगर 8.10, ठीक है. तो जैसे फिगर में दिखाया गया ऐसे धागा लेकर के आप भी गोल गोल ऐसे ऐसे एक कांस्टेंट स्पीड से जो है घुमाना शुरू करिए, ठीक है. फिर क्या होगा, नाउ लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड. अचानक से आप जो है किसी एक पॉइंट पे थ्रेड को अपने हाथ से छोड़ दीजिए, तो क्या देखेगा कि वो धागा जो है फिर से सर्कल गोल गोल घूमा नहीं घूमा, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में जाके गिर जाएगा, ठीक है. सो कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज. तो किस डायरेक्शन में ये धागा जाएगा आप बता सकते हो क्या, ठीक है. सो बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी फॉर अ फ्यू टाइम्स एंड रिलीजिंग द स्टोन एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, चेक वेदर द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स रिमेन्स द सेम और नॉट. तो जैसे एक बार आपने धागे को घुमाया गोल गोल और उसको छोड़ दिया, तो देखिए थ्रेड कहाँ गया, पत्थर के साथ में जो थ्रेड बंधा है वो कहाँ गया. फिर एक बार फिर से घुमाइए, फिर किसी और पॉइंट पे ला करके उस थ्रेड को छोड़िए, फिर देखिए स्टोन कहाँ गया. फिर एक बार और ऐसे 3-4-5 बार आप करिए
तो देखिएगा कि जब आप अलग अलग पॉइंट चुनते हैं धागे को छोड़ने के लिए, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फिगर में, ये बच्चा सपोज घुमा रहा है, पहली बार वो यहाँ पे था स्टोन, ठीक है, तो उसने छोड़ दिया, तो उसने क्या देखा कि ये पत्थर जो है ऐसे जा करके यहाँ पे गिर गया, ठीक है। सेकेंड टाइम जब उसने यही स्टोन घुमाया तो उसने स्टोन जब यहाँ पे आया था तो उसने इस धागे को छोड़ दिया, तो उसने देखा कि स्टोन यहाँ जाके गिर रहा है, ठीक है। थर्ड टाइम जब वो घुमा रहा था थ्रेड को, तो जब स्टोन यहाँ पहुंचा तो उसने इसको छोड़ दिया और उसने देखा कि स्टोन जो है यहाँ जाके गिर गया, ठीक है। फिर फोर्थ टाइम उसने फिर से यहाँ पे जब स्टोन था उसने धागे को छोड़ दिया और उसने देखा कि स्टोन यहाँ जाके गिरा है, ठीक है। तो इसको उसने बार बार किया, उसने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि मैं इसको सर्कुलर घुमा रहा हूँ तो अगर मैं ये थ्रेड छोड़ दूंगा तो ये पत्थर अपने से एक चक्कर तो कम से कम, नहीं तो कम से कम आधा ही चक्कर ये सर्कुलर मोशन में लगाए तो सही, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे हमारा जो पॉइंट है वो प्रूफ हो रहा है कि एक सर्कल है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स से मिलके बना है, जिसमें कि जो डॉट्स का साइज है वो बहुत छोटा है, या वो कह सकते हो कि वो एक हेक्सागोनल टाइप का ही स्ट्रक्चर है, बट उसके साइड्स जो है डॉट्स के साइज के हैं, और अगर हम इस पॉइंट पे छोड़ रहे हैं तो पत्थर इसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अंदर है, तो वो हमेशा ऐसे आके गिर रहा है, ना कि सर्कल पे गिर रहा है, ठीक है। यानी सर्कल में हर एक बिंदी पे, हर एक पॉइंट पे चीजों का डायरेक्शन जो है वो बदलता है, इससे हम ये भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। If you carefully note, on being released, the stone moves along a straight line tangential to the circular path. तो जैसे ही कोई भी चीज़ हम मूव करा रहे होते हैं सर्कुलर मोशन में, उसको छोड़ते हैं, तो जिस स्ट्रेट लाइन में सर्कल के कोई वो चीज़ गिरती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, टेंजेंट कहते हैं, और टेंजियल उस पोजीशन को हम टेंजियल पोजीशन कहते हैं। जैसे अभी मैंने डिस्क्राइब किया कि उस पोजीशन से सीधे स्ट्रेट लाइन में जा करके गिर रही है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज इट कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि पत्थर जो है जिस मूवमेंट पे उसको छोड़ा गया वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये रीजन है इसका कि वो टेंजेंट एक बनाता है जब भी हम उसको छोड़ते हैं तो, ठीक है। दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज्ड एट एवरी पॉइंट व्हेन द स्टोन वाज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो हमारे ये वाला पॉइंट भी प्रूफ हो गया इससे, इस एक्सपेरिमेंट से, ये एक्टिविटी से, कि हर एक पॉइंट में सर्कुलर मोशन के मूवमेंट के दौरान हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदलता है, ठीक है। सो व्हेन एन एथलीट थ्रोस ए हार्मर और अ डिस्कस इन अ स्पोर्ट्स मीट, जब आपने देखा होगा डिस्कस थ्रो या हार्मर को फेंकने का, तो एथलीट उसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे गोल 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 घूमते हैं और अचानक से जिस भी पोजीशन पे उनका ट्रेनिंग रहता है या आगे की तरफ फेंकना रहता है, तो वो उस पोजीशन पे लाके अपना डिस्क जो है वो थ्रो कर देते हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता है ताकि वो एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकें, इसीलिए गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, गोल गोल घूम के और दूर फेंक सकते हैं वो, ओके। सो ही और शी होल्ड्स द हार्मर और द डिस्क इन हिज और हर हैंड एंड गिव्स इट ए सर्कुलर मोशन बाय रोटेटिंग हिज और हर ओन बॉडी, ठीक है। वंस रिलीज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन द हार्मर और डिस्कस मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच इट वॉज मूविंग एट द टाइम इट वॉज रिलीज। तो हार्मर या डिस्क जो है उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में जिस वक्त उसको छोड़ा गया रहता है, तो उसी डायरेक्शन में वो मूव करता है, ना कि सर्कुलर मोशन में, ठीक है। जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड अबव, जैसे हमने अभी एक्टिविटी देखा ना पत्थर वाली, वैसे ही, ठीक है। सो देर आर मेनी मोर फैमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सच एज द मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा मून और अर्थ भी मूव करता है, और ये जो स्ट्रिंग हमने जो थ्रेड पड़ा हमने हाथ में पकड़ रखा है और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो जो हमारा थ्रेड है वो कौन है, वो हमारा सन है। सन के साथ अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमारा थ्रेड है जिसके की वजह से हम गोल गोल घूम रहे हैं। जिस दिन ये ग्रेविटेशनल पुल हट जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि जब ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, कभी सन हमारा बहुत बुढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो अर्थ भी ऐसे टेंजियल मोशन में कहीं और स्पेस में, यूनिवर्स में चली जाएगी।
है ना, जिस दिन ये ग्रेविटेशनल पुल खत्म होगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमारा थ्रेड है जिसकी की वजह से हम गोल गोल मूव कर रहे हैं। जिस दिन ये ग्रेविटेशनल पुल हटेगा, अर्थ, आपने समझ लिया होगा, अर्थ टेंजेंट होकर के कहीं चली जाएगी, है कि नहीं। सो अ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अ साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड सो ऑन। इसी तरीके के हम बहुत सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल अपने डे टू डे लाइफ में जो है हमेशा ही देखते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स और इफ यू हैव एनी सर्टन कॉमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द चैप्टर या पढ़ाने के तरीके के बारे में अगर आपको कोई डाउट है या आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ, देन यू कैन राइट योर सजेशंस एज वेल एज योर कमेंट्स एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर कुछ क्रिटिकल कमेंट्स देने हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन गिव, ओके। सो आई विल ट्राई टू इनकल्केट ऑल द सजेशंस एंड इफ दे आर सुटेबल फॉर मी एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू सो मच।